वेलकम टू माई चैनल कुक विद शाहीन। आज मैं आपसे बहुत ही मज़ेदार दाल करेले बनाने की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करें, और आगे भी ऐसी रेसिपीज देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल कुक विद शाहीन को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। और मेरा दूसरा चैनल है इटमोर, उसको भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। इटमोर का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। चलिए दाल करेले बनाना स्टार्ट करते हैं। दाल करेले बनाने के लिए मैंने फ्रीज किए हुए करेले इस्तेमाल कर रही हूँ, जो ऑलरेडी मेरे YouTube चैनल पर करेलों को कैसे महफूज किया जाता है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वो हम यूज़ करेंगे। हाफ के जी करेले हैं जिनको मैंने नमक लगा के फ्रीज़ किया था। अब हम डीफ्रॉस्ट करेंगे और एक से दो पानी निकाल के, पानी निकालने के बाद मलमल के कपड़े से पानी निचोड़ देंगे, मलमल के कपड़े पे ऐड कर देंगे, और एक से दो पानी निकालने के बाद फिर हम निचोड़ देंगे पानी, इसका अच्छे से खुशक कर लेना, फिर हम फ्राई करेंगे करेलों को। तकरीबन 1/4 कप तेल मैंने कढ़ाई में ऐड किया था। करेले अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं मेरे, बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। फिर से इस कढ़ाई में हम 1/2 कप तेल और ऐड करेंगे। 300 ग्राम मैंने प्याज लिए थे स्लाइस में कटे हुए, वो ऐड कर देंगे। प्याज को 1 से 2 मिनट फ्राई करेंगे, जैसे ही थोड़ा सा कलर चेंज होना शुरू हो जाए फिर टमाटर ऐड करेंगे, 3 अदर टमाटर हैं वो ऐड कर देंगे क्यूब में कटे हुए, 1 टीस्पून सुरख मिर्च पीसी हुई ऐड करेंगे, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड करेंगे, लास्ट में हम नमक ऐड करेंगे 1 टीस्पून। स्पाइसेस आप अपनी मर्जी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। आप ज़रूर ट्राई करें इस रेसिपी को, बहुत ही मज़ेदार बनती है। जब आप बनाएंगे तो यकीन करें हर कोई आपकी तारीफ़ करेगा कि इतनी ज़बरदस्त रेसिपी कहाँ से आपने सीखी है। लो फ्लेम पर हमने कवर करके पका लिया, पानी हमने बिल्कुल नहीं ऐड किया क्योंकि ऑलरेडी टमाटरों ने अपना पानी रिलीज़ किया था। अब हम करेले ऐड करेंगे जो हमने फ्राई किए थे, करेले भी ऐड कर दिए। अब 200 ग्राम मैंने दाल है, दाल को भिगो के मैंने बॉईल कर लिया था, थोड़ा सा नमक ऐड करके, और दाल हमारी 80% कुक होनी चाहिए। थोड़ा सा इसमें पानी है 1 से 2 चम्मच, हरी मिर्च भी साथ ऐड कर देंगे 3 से 4 अदद, 1 टीस्पून ज़ीरा ऐड कर दिया है, 1 टीस्पून साबुत धनिया पिसा हुआ ऐड कर दिया है, फ्रेश धनिया ऐड कर दिया, हरा धनिया, अच्छे से मिक्स कर लेंगे और दम पे पकाएंगे। 80% हमने दाल को बॉईल किया, बाकी दाल हमारी दम में पकेगी। यकीन करें बहुत ही मज़ेदार रेसिपी बनती है, आप ज़रूर ट्राई करें। तंदूरी रोटी के साथ, नान के साथ खाएं, साथ दही का रायता बनाएं, जो ऑलरेडी मेरे यूट्यूब चैनल पर रेसिपी है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। देखिए कितना ज़बरदस्त लुक आया है, आप यकीन करें बनाएंगे तो हर कोई आपकी तारीफ़ करेगा, कितना ज़बरदस्त कलर आ रहा है। लास्ट में मैंने हरी मिर्चें ऐड की हैं। उम्मीद है आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके दाल करेले कैसे बने। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।